हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल सिंपल इंडियन कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज मैंचो सूप, जिसे मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दिख रही है ना, बहुत ही खूबसूरत, और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बहुत ही औसम है, बहुत ही औसम। जैसा हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना, सेम टू सेम वही टेस्ट है। और बनाने का तरीका भी बहुत ही इजी वे में हम बना सकते हैं। तो अपने घर पे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो वेज मैंचो सूप बनाने के लिए यहाँ हमने 4 कप्स वाटर लिया है नूडल्स को उबालने के लिए। तो यहाँ हम 4 कप्स वाटर ले रहे हैं और जिसे हम पहले बॉयल करेंगे। तो यहाँ देखिए रोलिंग बॉयलिंग हो चुकी है वाटर। तो इसमें हम नूडल्स डालेंगे। यहाँ मैं 1 पैकेट नूडल्स लिया है जिसे हम बॉयलिंग वाटर में डाल दिया है, और इसे ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 3 to 4 मिनट्स ही इसे पकाना है। और देखिए यहाँ पे पक चुकी है नूडल्स, तो इसे हमने स्ट्रेन किया है। तो इसे छलनी में छान के अच्छे से, और नॉर्मल वाटर होती है उससे अच्छे से धो लिया है, जिससे क्या होता है ना कि जो नूडल्स होती है उसकी जो चिपचिपाहट होती है, स्टिकीनेस होती है, वो नहीं हो और वो एक दूसरे से नहीं चिपके और अच्छे से अलग अलग रहे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल जो कूल वाटर होती है उससे हमने अच्छे से इसे धो लिया है, ठीक है। वॉश करके थोड़ी सी रेस्ट दी है इसे। उसके बाद हम यहाँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, तो उसे हम नूडल्स में डाल रहे हैं। और नूडल्स और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ, क्योंकि जैसा कि हम वेज मैंचो सूप बना रहे हैं उसमें हमें क्रिस्पी नूडल्स की ज़रूरत होगी। तो और नूडल्स में क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमें इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसे फ्राई करना पड़ेगा। और उसके बाद वेज मैंचो सूप तैयार जब हो जाएगी तो उसमें हम ये क्रिस्पी नूडल्स उसमें डाल के सर्व करेंगे। तो इसीलिए नूडल्स में क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को इसमें मिक्स करके अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे देखिए मीडियम हॉट ऑयल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में हम डालेंगे नूडल्स और इसे हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक ये क्रिस्पीनेस ना आ जाए तब तक हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं, तो यहाँ फ्राई हो रही है नूडल्स। तो उसके बाद जब हम देखेंगे कि एक तरफ की अच्छी से फ्राई हो चुकी है, तब इसे हम टर्न ओवर करेंगे और पलट के दूसरे तरफ भी अच्छे से हम पकाएंगे। और जब पूरी तरह से क्रिस्पीनेस आ जाएगी नूडल्स में, तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इसे अलग प्लेट में निकाल के हम अलग रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी नूडल्स। तो इसे हम साइड में रख देंगे और फटाफट से तैयारी करते हैं सूप बनाने की। तो यहाँ हमने पैन चढ़ा दिया गैस पे, और यहाँ 2 टीस्पून ऑयल लिया है, और इसमें हम डालेंगे क्रश्ड की हुई जिंजर अदरक और चॉप की हुई गार्लिक, लहसुन डालेंगे बहुत ही महीन कटी हुई, और उसकी रॉ स्मेल निकलने तक थोड़ी सी फ्राई करेंगे। फिर हम चॉप्ड ऑनियन और 2 ग्रीन चिल्लीज कटे हुए डालेंगे और इसे मुश्किल से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। और यहाँ पे फाइनली चॉप्ड कैरेट डाला है, और यहाँ पे कैबेज डाला है, और बीन्स और कैप्सिकम डाला है, और कोरिएंडर स्टेम्स, जो धनिया पत्ता के जो डंटल्स होती है ना उसे भी हमने बहुत अच्छे से फाइनली चॉप्ड करके डाला है। और इसे हम मुश्किल से 5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि सूप बनाने की जो ख़ास बात होती है ना, उसमें हमें कोई भी वेजिटेबल्स को ब्राउन नहीं करना होता है। जितने भी वेजिटेबल्स हम डाले होते हैं उन्हें हम लाइटली सॉफ्ट करने तक ही हम पकाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स पक चुकी है, तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून सोया सॉस हमने लिया है।
तो उसे हम डाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका जो होता है वो, उसे हमने 2 टेबलस्पून लिया है। और यहाँ चिल्ली सॉस लिया है, 1 टीस्पून लिया है चिल्ली सॉस। और टोमेटो सॉस लिया है 4 टेबलस्पून। और यहाँ पे हम टोमेटो सॉस डालने के बाद यहाँ पे डाल रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और नमक लिया है स्वाद अनुसार। तो जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो उसे हम सब्जियों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे सब्जियों में जितने भी फ्लेवर्स हैं सब एक साथ अच्छे से कॉम्बाइन हो जाए। उसके बाद हम यहाँ 4 कप्स वाटर ले रहे हैं। तो यहाँ हम 4 कप्स वाटर लेने के बाद हम यहाँ कॉर्नफ्लोर लेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर हम ले रहे हैं। और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में हम यहाँ पे 1/4 कप वाटर ले रहे हैं, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और कोई भी गुठलियाँ ना रहे। और इस कॉर्नफ्लोर की जो वाटर है जो, उसे हम इसमें हमारे सूप में मिक्स कर देंगे ताकि हमारी सूप में थिकनेस आए, गाढ़ापन आए। और इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे लिड लगा के, और इसे हम इतना उबालेंगे कि ताकि 4 कप्स वाटर कन्वर्ट होके 3 कप्स में कन्वर्ट हो जाए और इसमें पूरी तरह से गाढ़ापन आ जाए सूप में, क्योंकि सूप की जो खासियत होती है ना, उसमें थोड़ी सी गाढ़ापन हो तो वो ज़्यादा टेस्टी होती है और अच्छी लगती है खाने में। तो इसीलिए हम थोड़ी सी इसे अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि 4 कप्स वाटर 3 कप्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हमने देखा कि थोड़ी सी सूप हमारी थोड़ी सी पतली है, इसीलिए फिर से हम ढक के इसे और थोड़े पकाया है। पूरी सूप को बनने में हमारे 10 to 15 मिनट्स लग गए हैं, और यहाँ हमारी सूप बन के फुली रेडी है। तो इसे हम सर्व कर रहे हैं, तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं यहाँ पे हम। उसके बाद हम इसे इसके ऊपर जो हमने जो फ्राई करके जो नूडल्स रखा था ना, तो उसे हम इसके ऊपर हम सजाएंगे, ठीक है। तो मेन ये जो मैनचोप सूप होती है उसकी खासियत यही है कि इसके ऊपर से हम जो फ्राई किए भी क्रिस्पी नूडल्स हम इसके ऊपर से डालते हैं, और इसमें हम फिर कोरिएंडर लीव्स से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करेंगे। और बस हमारी सूप बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे हम देखिए क्रिस्पी नूडल्स को अच्छे से इसके ऊपर से सर्व कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता चॉप की हुई, उससे हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम गार्निशिंग कर रहे हैं कोरिएंडर लीव्स से। तो बस हमारी सूप बन के बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। तो गर्मा गर्म खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।